लास्ट की स्टोरी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि खत्म हो चुकी है। अब जो स्टोरी स्टार्ट होने वाली है वो है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, कैसे हुआ था? कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन महामारी से हुआ है, कुछ लोगों का मानना है बाढ़ से हुआ है, कुछ लोगों का मानना है आर्यों के आक्रमण से हुआ है, कुछ लोग का मानना है जलवायु परिवर्तन से हुआ है, और कुछ लोग का मानना है व्यापार में गतिरोध के कारण हुआ है। बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे मतलब व्यक्ति आए, सभी के अलग अलग मत थे। उन मतों को अगर हम साइड कर दें तो उसके बाद लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता ही आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। वैदिक सभ्यता को ही हम लोग आर्यों की सभ्यता के नाम से जान। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, नोबल, ठीक है। आर्यों की का मतलब होता है श्रेष्ठ। जानकारी के हिसाब से बता दूं तो आर्यों ने जिस भाषा को अपनाया था वह भाषा थी संस्कृत। आर्यों ने जिस भाषा को अपनाया था उसका नाम था संस्कृत। आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ और अपने आर्यों को दास या दस्यु कहा था, ठीक है। अपने आप को टॉप क्लास के आदमी कहते थे आर्य। इनका कहना था कि जो हम है बिल्कुल श्रेष्ठ है और जो हमसे जो नीचे हैं वो दास तथा दस्यु कहलाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्ति आए और उनके मूल निवास के बारे में अलग अलग राय दिए हैं, ठीक है। अगर हम व्यक्ति की बात करें, आर्यों के मूल निवास के संबंध में कई विद्वान ने अलग अलग राय दिए हैं, जैसे कि सप्त सैंधव। कुछ लोगों का कहना है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम है इनका? डॉक्टर संपूर्णानंद। ब्रह्मसी देश से आए हैं, पंडित गंगानाथ ने कहा है। कश्मीर और हिमालय से आए हैं, डॉक्टर एलडी कल्ला ने कहा है। देविका प्रदेश ने कहा है, देविका प्रदेश से ये लोग आए थे, डॉक्टर एस द्विवेदी ने कहा है। ये लोग तिब्बत से आए थे, दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। ये लाइन ये समझा रहा है कि आर्यों का जो मेन मूल जो निवास था जो था अलग अलग था। सभी व्यक्तियों का अलग अलग मत था, इसलिए अलग अलग मत के आधार पर। कुछ लोग का कहना था कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, कुछ लोग का कहना है कि ब्रह्मसी देश से आए थे, कुछ लोग का कहना है कि ये कश्मीर और हिमालय के प्रदेश से आए थे, कुछ लोग का कहना है कि ये देविका प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? देविका प्रदेश से आए थे। और कुछ लोग का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे। तो हर व्यक्ति का अलग अलग मत है, अलग अलग मत के हिसाब से चला जाएगा। उत्तरी ध्रुव, कुछ लोगों का कहना है कि जो आर्य आए थे ना, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि जो आर्य भारत में शामिल हुए हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कुछ पी गाइल्स नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा डेन्यूब नदी घाटी से आए थे। पेनकॉर हार्ट ने कहा जर्मनी से आए थे। गार्डनर चाइल्ड ने कहा था कि ये रूस से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग का कहना है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मत, जैसा व्यक्ति आए, जैसा लेखक आए, जैसे दार्शनिक आए, उन्होंने अपना मत दिया। ऋग्वेद से जिस भौगोलिक स्थिति का पता चलता है वह उत्तर पश्चिम भारत है। तो देखो, अगर हम ऋग्वेद की बात करें जो कि भारत की सबसे पुरानी वेद है, पहले भी पढ़ चुके हैं, और उसके हिसाब से देखा जाए तो आर्य जो भारत में आए हैं ना वो उत्तर पश्चिम भारत से आए हैं। कहाँ से आए हैं? उत्तर पश्चिम भारत से आए हैं। कौन आए हैं? आर्य। कहाँ से आए हैं? उत्तर पश्चिम भारत से आए हैं। उपरोक्त क्षेत्र में ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग मिला है। किसका मिला है? सप्त सिंधव, जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। विशिष्ट तथ्य की बात करें तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख तीन बार किया गया है पूरे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी सूक्त में
25 नदियों का उल्लेख है। अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंदर में एक नदी सूक्त है, ठीक है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। सभी को पता है कि ऋग्वेद में हम सरस्वती नदी को एक पवित्र नदी के रूप में जानते हैं। आरंभिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे, यानी इनका मानना है कि जो आर्य थे उनको समुद्र के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका अर्थ है वे बड़ी नदियों और जल का विशाल भंडार को समझते थे। मतलब वह जो है समुद्र को नहीं जानते थे, वो सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों को ही जान पाते थे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, विश्व इतना बड़ा है, बीच में ही रह गए, हमेशा किनारे पर नहीं पहुँचे होंगे, जो भी रीज़न हो। अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला थी, जिसकी एक चोटी थी मुंजावत। क्या थी? मुंजावत। तो आर्य वहाँ से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है, ठीक है। मुंजावत की चोटी पर बात करें, सोम नामक एक पौधा उगता था जिसे अभी हम लोग भांग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, भांग कहते हैं, जिसे तैयार नशीला पदार्थ वावज पेय यज्ञों के समाप्ति के उपरांत आर्यों द्वारा पिया जाता था। मतलब जो यज्ञ वगैरह हो जाता था ना, उसके बाद जश्न मनाने के लिए आर्यों द्वारा वाजपेय यज्ञ के बाद जो है वो मुंजावत अर्थात जो सोम होता है, जो दारू बोल सकते हो, भांग बोल सकते हो, नशे का चीज़ बोल सकते हो, वो उनके द्वारा पिया जाता है। अगर हम बात करें आर्यों की, ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख जनजातियों का उल्लेख पंचजन अनु धाद्रु यदु तसर्ग पुरु के रूप में किया गया है। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है अनु द्रहु यदु त्रवर्षु पुरु। ऋग्वेद के अनुसार भारत कबीले के राजा सुदास, हाँ ऋग्वेद के अनुसार बात करें तो भारत कबीले के राजा सुदास ने आर्नयासों के नरेश को परास्त किया था। अगर हम ऋग्वेद के हिसाब से चले तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन है जो कि पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। इम्पोर्टेंट है, पुरुषणी नदी का संबंध किस काल से है, तो याद रखना वैदिक काल से है, ये एग्जाम में आया है बहुत बार, ठीक है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में इन जातियों के प्रसिद्ध दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है। कुछ समय के बाद दशरथ युद्ध में पराजित जनजाति पुरु का भरतों के साथ समझौता हो गया और नए कुरु वंश की स्थापना की गई। समझिएगा, कुछ समय के बाद दशरथ युद्ध में पराजित पुरु का भरतों के साथ समझौता हो गया और नए कुरु वंश की स्थापना की गई। कुरु वंश ने संपूर्ण भारत में महान वैदिक सभ्यता के विकास की नींव डाली थी। पूछेगा तुमसे किसने किया था, तो बताना है कुरु वंश ने संपूर्ण उत्तर भारत में महान वैदिक सभ्यता के विकास की क्या डाली थी, नींव डाली थी। भरतवंशी राजा भरत के नाम पर हमारे देश में भारत का नाम क्या बजा है, मतलब पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, कहते हैं ना कि भारतवर्ष क्यों कहते हैं, तो भरतवंशी राजा भरत के नाम पर, किनके नाम पर कहा गया है, भरतवंशी राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया है, भारतवर्ष रखा गया है। और इस सभ्यता के अनुसार जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो दो कालखंडों में बटी हुई है, एक है आपकी ऋग्वैदिक कालखंड और एक है आपकी उत्तर वैदिक, यानी एक ऋग्वैदिक पीरियड है और एक लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है। 1500 से 1000 काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, और 1000 से लेकर 600 काल जो ईस्वी का जो भी है समय उसको हम उत्तर वैदिक कहते हैं। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद, महाकाव्य, सूत्र, इन सब की रचना हुई थी। और समाज की बात करें तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा समाज जो है ऋग्वैदिक काल में कैसे बटा हुआ था और
उत्तर वैदिक काल में कैसे बटा हुआ था। तो कुल मिला के हम देखने वाले हैं आगे चल के इन सभी चीज़ों को। उससे पहले कुछ नदी अभी हम लोग देखने वाले, BBIA नदी रट लेना दम तुरंत के तुरंत। जैसे सिंधु नदी का आधुनिक नाम और प्राचीन नाम आपसे पूछ लेता है तो आप मान लो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती नदी को चितंग कहते हैं, क्या कहते हैं? चितंग। बिस्ता को झेलम कहते हैं, कुड़ू को कुर्रम कहते हैं, कुंभा को काबुल कहते हैं, पुरुषनी को रावी कहते हैं। बिशप को अगर हम बात करें, बिशप नदी को ब्यास कहते हैं। दुई दती नदी को घग्गर कहते हैं। सुवस्तु नदी को स्वात कहते हैं। अस्कनी को चिनाब कहते हैं। सुतत्री को सतलज कहते हैं। और सदानीरा को गंडक कहते हैं। गोमल को गोमती कहते हैं। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपके पेपर में कई बार ये पूछ देता है कि कौन सी नदी का पुराना नाम क्या है। जैसे पूछ देगा कि अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है? चिनाब का है। पूछ देगा सदानीरा किसका है? गंडक का है। पूछेगा गोमल किस नदी का पुराना नाम है? गोमती का है। पुरुषनी किस नदी का पुराना नाम है? रावी का है। पूछेगा बिस्ता किस नदी का पुराना नाम है? झेलम का है। हाँ, सरस्वती किस नदी का पुराना नाम है? चितंग का है। सिंधु किस नदी का पुराना नाम है? सिंधु का है। कुंभा किस नदी का पुराना नाम है? काबुल का है ना, हाँ वो क्रभु है, क्रभु। कुर्रम पुरुषनी रावी नदी का है। तो ये BBIA पोर्शन है, इसको आप दम तोते की तरह रट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कैसे बटा हुआ था। तो अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्गों में बटा हुआ था, पुरोहित, राजन्य, वैश्य, शूद्र। पुरोहित सबसे ऊपर क्लास के हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे जिसको हम लोग राजन्य या फिर क्षत्रिय कहते हैं, फिर वैश्य आते थे जिसमें किसान और कारीगर होते थे, ठीक है, और शूद्रक जो कि दास के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। शूद्रक को हम लोग दास के रूप में जानते हैं। सामाजिक विभाजन के विभाजन वर्ण के आधार पर ना होके व्यवसाय के आधार पर हुआ करता था। ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल में समाज का जो विभाजन था वो रंग पे नहीं था, काम पे था। और सभी को लगता था कि समाज में जो ब्राह्मण ऊपर हो गया, क्षत्रिय नीचे हो गया, वैश्य जो जंगा से उत्पन्न कहते हैं वो और नीचे हो गया, और शूद्र दास सबसे लास्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपने काम के आधार पर बटे हुए थे। ब्राह्मण पूजा करने वाले होते थे तो वो पुरोहित कहलाएं, राजन्य जो क्षत्रिय कहलाएं, वैश्य किसान और कारीगर लोग को कहते थे, जितने भी तरह के किसान और कारीगर थे सब वैश्य में शामिल होते थे, और शूद्र जो थे वो दास से संबंधित थे। किससे संबंधित हैं? दास से संबंधित हैं। ऋग्वेद के सूक्त 9 के अनुसार एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न को अपना सकते थे और उन्हें चुनने की पूरी तरह से उन्हें आज़ादी थी, और समाज पूरी तरह से ऋग्वैदिक समाज प्रत्यात्मक पितृसत्तात्मक था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक, याद आया? देखो वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? मातृसत्तात्मक है, महिला उसमें हेड होती है। परिवार का मुखिया या कुलपति को कुलूप कहते हैं, या मुखिया को हम लोग कुलूप क्या कहते थे? हाँ, पूछ लेगा आपसे वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, तो पहली बात कुलपति, उसके बाद दूसरा क्या कहलाता था? कुलूप कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज में पिता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ही बनता था, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक है तो बेटा ही बनेगा, ठीक है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा बेटा, क्या होता है? बड़ा बेटा। समाज में आमतौर पर मोनोगैमी यानी एक विवाह का सिस्टम था। देखो पॉलीगैमी नहीं था, यानी एक पुरुष एक शादी करेगा, ये सिस्टम था। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं का स्थान क्या था? ऊंचा था, उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन पितृसत्तात्मक था, सत्ता सीधे पिता के हाथ में जाती थी, माता के हाथ में नहीं जाती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इस काल में नहीं था, जबकि विधवा विवाह प्रचलन में थी। बाल विवाह वैदिक काल में नहीं था,
पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, ठीक है। जबकि विधवा विवाह इसमें प्रचलन में थे, यानी विधवा का विवाह होता था वैदिक काल में, अच्छी बात है। बाल विवाह नहीं होता था, ये भी अच्छी बात है। पर्दा प्रथा नहीं था, ये भी अच्छी बात है। और सती प्रथा नहीं था, ये भी अच्छी बात है। आप तुम सोचो, जब वैदिक काल में ये सब नहीं था तो बाद में कहाँ से आया? तो समय के साथ बहुत सारा आए, राजा महाराजा बहुत सारा सिस्टम आया, तो बता नहीं सकते एग्जैक्ट डेट कब बाल विवाह चालू हुआ है ना। लेकिन बाल विवाह उस वक्त भी खतरनाक था, आज भी खतरनाक थे। पर्दा प्रथा उस वक्त भी नुकसान देता, आज भी है। सती प्रथा उस वक्त भी था और आज भी नुकसानदेह है। ऐसे अब तो बंद हो चुका है, ठीक है। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने और पति के साथ सार्वजनिक उत्सवों में हिस्से लेने का अधिकार था, क्योंकि मैंने बोला महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिला हुआ था। जब महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला हुआ था तो कॉमन सी बात है कि पति के साथ वह सार्वजनिक उत्सव में जा सकती हैं, ठीक है, सभा में हिस्सा ले सकती हैं। इस काल की कुछ महिलाएं घोष, अपाला, लोकमुद्रा, विश्ववड़ा आदि गणना में विदुषी के रूप में जानी जाती थी। इस काल की कुछ महिलाएं जो हैं, इस काल में कुछ महिलाएं जो घोष, अपाला, लोकमुद्रा, विश्ववड़ा की गणना में विदुषी, यानी विदुषी का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, के रूप में जानी जाती थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है भी समाज पैतृक संपत्ति को हकदार नहीं थे, तब उनको खाने पीने रहने सब में आजादी थी, लेकिन संपत्ति पर अधिकार उनका नहीं होता था, जो कि गड़बड़ चीज़ थी। स्त्री धन का इस काल में प्रचलन था, क्या था? स्त्री धन का इस काल में प्रचलन था। अन्न, सब्जी, दूध, दूध से तैयार होने वाले पदार्थ, ये सब आर्यों के मुख्य भोजन हुआ करते थे। आर्य मांस के शौकीन थे, भेड़, बकरी, घोड़े एवं यज्ञों के अवसर पर गायों को भी खाते थे, हद है ना, गायों को भी ये खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई, जो कि उत्तर वैदिक काल के काल का आरंभ है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में वर्णित है कि पुरुष प्रजापति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से चार वर्णों का निर्माण हुआ है। ब्राह्मण मुख से हुए हैं, क्षत्रिय कंधे से हुए हैं, वैश्य जांग से हुए हैं, शूद्र पैर से हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा ऋग वैदिक काल का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में घुसने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, 8 बजे के बाद जो टाइमिंग है ना बहुत अच्छा रहता है। उत्तर वैदिक काल को हम अब शुरू करने वाले हैं। हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, आप रिविजन कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। उत्तर वैदिक काल में समाज मुख्यतः चार भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड में समाज चार भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। पहले वर्ण निर्धारण नहीं होता था, काम के आधार पर लोग बटे हुए रहते थे ऋग वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो वर्ण का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। गौतम सूत्र में दिए गए प्रसंगों से इस काल में छुआछूत का प्रचलन भी बढ़ गया था। देखिए गौतम सूत्र में इसकी जानकारी देखें तो छुआछूत का प्रचलन भी इस काल में बढ़ गया था। प्राचीन भारतीय जीवन के चार महान पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए चार आश्रम व्यवस्था को आधार बनाया गया था। इसी व्यवस्था में देखा जाए कि भारतीय जीवन के चार महान पुरुषार्थ हैं, तो मनुष्य का पुरुषार्थ धर्म में है, अर्थ में है, काम में है, मोक्ष में है, ठीक है। इसकी प्राप्ति के लिए चार आश्रम बनाए गए थे इनके द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, इस काल में महिलाओं की दशा बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, बट
लेटर जो बोल सकते हैं या इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। अब उपनिषद संस्कार वेद पढ़ने सामाजिक समारोह में हिस्सा लेने से उन्हें वंचित कर दिया, क्या कर दिया गया, उन्हें वंचित कर दिया गया था। ठीक है, आर्य स्वयं को द्विज अर्थात दो बार जन्म लेने वाला, एक बार माता के पेट से और दूसरी बार उपनिषद संस्कार के बाद, यानी आर्य जो कहते थे कि हम जो है ना इस धरती पर दो बार जन्म लेते हैं, एक बार जब हम अपने माँ के पेट से आते हैं, दूसरी बार जब हमें ज्ञान मिल जाता है और हमारा उपनिषद संस्कार हो जाता है, तब हमारा नया जन्म होता है। क्या होता है? नया जन्म होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं द्विज। क्या बोलते हैं? द्विज, दो बार जन्म लेने वाला, तो उसको बोलते हैं द्विज। और ये आर्यों के लिए कहा गया है। द्विज श्रेणी में ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे, शूद्रों को इससे बाहर रखा गया था। तो हुआ ना छुआछूत, इसमें छुआछूत फैला हुआ है। क्या हुआ है? छुआछूत फैला हुआ है। इस काल में वैश्यवृत्ति का भी अधिक प्रचलन हो गया था। क्या हो गया था? वैश्यवृत्ति का भी अधिक प्रचलन हो गया था। नारी शिक्षा पूर्ववत लोकप्रिय हो रही थी। इस युग में गार्गी वचाननबी मैत्रेयी जैसे विदुषी नारियों का उल्लेख मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजू कहते थे। पूछ ले कभी फ्यूचर में आपसे कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे, तो बताना है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। ठीक है, नियोग प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ऐसी विधवा जिसकी संतान ना हो तो वह संतान उत्पत्ति के लिए अपने मृतक पति के छोटे विवाह के साथ विवाह कर सकती है। देखिए वैदिक काल में एक नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। इस प्रथा के तहत अगर किसी महिला का पति मर गया और उसे कोई संतान नहीं है और वह विधवा हो जाती है, तो वह अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती है। यह व्यवस्था थी किसमें? हाँ, नियोग प्रथा में, वैदिक काल में। किसमें थी? हाँ, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, विवाह के 8 संस्कार थे। कितने संस्कार थे? 8 संस्कार थे। खोपड़ी में बैठा लीजिए के संस्कार काफी काम का है, नॉलेज के लिए भी है। ठीक है ना, ब्रह्म विवाह पहला क्या था? ब्रह्म विवाह। इस विवाह को सबसे उत्तम मानते थे लोग। क्या मानते थे? सबसे उत्तम विवाह था ब्रह्म विवाह। इसमें पिता वर को, ठीक है, घर बुलाकर अपनी कन्या को सौंप देता था। और आधुनिक में इसी विवाह को हम लोग अधिक प्रचलन में लेते हैं, ब्रह्म विवाह। अभी भी ये विवाह होती है तो याद रहेगा, है ना। दूसरा है दैव विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो ब्राह्मण यज्ञ संपादन करता था उसे अपनी कन्या दान दे दिया जाता था। ये दैव विवाह है। मतलब देखो, इस विवाह में कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता था, जो ब्राह्मण यज्ञ का संपादन करता था उसे कन्या दान में दिया जाता था। ठीक है, अब वह उसके साथ पत्नी के रूप में हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है ना, वो सिस्टम था दैव विवाह। क्योंकि उस वक्त जो ब्राह्मण दैव के बराबर ही थे ना, टॉप क्लास के व्यक्ति थे। समझ सकते उस समय के आईएएस ऑफिसर। अब आईएएस ऑफिसर कहेगा कि हाँ सब हमको शादी करना है, कह मना करेगा, कर लीजिए। अगला आर्य विवाह। इसमें कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए वर से एक गाय या एक बैल या एक जोड़ी लेकर वर के साथ कन्या का विवाह कर देता था। आर्य विवाह क्या थी? ऐसा विवाह जिसमें कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक गाय एक बैल ले लेता था और विवाह करवाता था अपनी बेटी का उसके साथ। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था
कि दोनों साथ साथ मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। इस प्रकार विवाह में पिता दर से ठीक है एक प्रकार वचनबद्धता प्राप्त कर लेता था। ये तो अभी भी होता है, सात वचन विवाह होता है ना, ऐसे 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 करिए समझो कि वो वचन ही है। मतलब हम लोग ब्राह्मण विवाह भी करा रहे हैं, प्रजापत्य विवाह भी करा रहे हैं। हम महिला से महिला के फैमिली वाले को बैल गाय नहीं देते हैं, नहीं देते हैं ना, ये सिस्टम नहीं है। असुर विवाह या विक्रय विवाह होता था। असुर विवाह में क्या होता था, विक्रय विवाह होता था। इसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर बेच देता था। मतलब ऐसा अभी भी होता असुर विवाह, कुछ महिला को बेच दिया जाता है ना पुरुष के यहाँ। जैसे जहाँ जिस राज्य में महिलाएं कम है वहाँ पर लोग महिलाओं खरीद कर लाते हैं ठीक है, तब उसे शादी करते हैं, तो असुर विवाह हो गया। हाँ कन्या वाला ही ले लिया। एक और होता है गंधर्व विवाह, यह एक प्रेम विवाह होता है। इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती है ठीक है, स्वयंवर। अच्छा अभी स्वयंवर होता है ना, वही स्वयंवर गंधर्व विवाह का एक रूप है। अभी स्वयंवर होता है, मूवी में स्वयंवर होता है ना, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। एक और होता है राक्षस विवाह, इस विवाह में अपहरण करके विवाह कर देता है। और क्षत्रियों में इस विवाह को मान्यता प्राप्त है, यानी क्षत्रिय जो लोग हैं ना उनको इस विवाह की मान्यता प्राप्त थी। पैसाच विवाह, जबरदस्ती बलात्कार आदि करके यह विवाह किया जाता था। यह सबसे निकृष्ट यानी सबसे खराब विवाह था ठीक है, पिशाच विवाह बोल सकते हो, अतः पिशाचे वाला काम ना हुआ। तो इस तरीका से हम मान सकते हैं विवाह के आठ रूप थे, और यह आठों रूप अभी भी प्रचलित है। अभी भी जबरदस्ती विवाह होता है, पकड़ुआ विवाह, खाली उल्टा हो गया है। महिला को पकड़ के बहुत कम होता है, पुरुष को पकड़ के करता है। राक्षस विवाह अपहरण करके बिल्कुल होता है। हाँ क्षत्रिय लोग नहीं करते हैं, अब ये लकवा लोग करता है। दूसरा गंधर्व विवाह, ये अभी भी होता है, शुरू से हो रहा है अभी भी हो रहा है। असुर विवाह अभी भी हो रहा है। प्रजापति विवाह, इसमें विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता मतलब वो थोड़ा सा शपथ वपथ ग्रहण करवा देता है ठीक है, इतना कमाइएगा इसी को दीजिएगा, अकाउंट मेंटेनेंस करेंगे। आड़ी विवाह, जिसमें पिता एक जोड़ी घोड़ा या बैल वगैरह ले लेता है ठीक है। इसकी विवाह, ब्रह्म विवाह और दैव विवाह। तो अभी तक ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा लगा ना। और कौन सा विवाह अच्छा लगा, बाकी सब तो ठीक है, एवरेज है। चलिए आइए, ग्रह सूत्र में 16 संस्कार थे। क्या थे? 16 संस्कार। कहता है ना कि सभी को अपने गृहस्थ जीवन में बस जाना चाहिए एक उम्र के बाद। गांधी जी भी बसे थे, चार चार बेटा है गांधी जी का, सभी बड़ा गंदा महकता है आजकल, पहले की तरह भाइटनेस इसमें नहीं है। नहीं ना माचिस जो है ये अच्छा नहीं दिया है, डुप्लीकेट है। पहले जो डब्बा था बिल्कुल वाइट वाइट रहता था, लग रहा है कि डुप्लीकेट, और आधा आधा डिब्बा खाली है माचिस का। खैर तो गृहस्थ जीवन में जाने के लिए 16 संस्कार दिया गया है। पहला है गर्भाधान, क्या है? गर्भाधान। दूसरा है पुंसवन। तीसरा है सिमतोन्यन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रशासन, चूड़ा कर्म, कर्णवेशन, विद्यारम्भ, उपनयन संस्कार, वेदारम्भ, केशांत, गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि। ये टोटल 16 गृह सूत्र में बंधने वाले संस्कार हैं ठीक है, जिसमें सभी मनुष्य को बांधा ही जाता है पकड़ के, मान सकते हो। अगला, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ टोटल 8 प्रकार के थे। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ,
दर्श पूर्णमास यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, पंच पशु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसयु यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पंच महायज्ञ इस प्रकार हैं। ठीक है, ब्रह्म देखो ध्यान से, ठीक है, तो पंच यज्ञ, पंच महायज्ञ के प्रकार इस प्रकार हैं। ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वेदों का। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देव यज्ञ, इस यज्ञ में देवताओं का पूजन आदि करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पितृयज्ञ, यह मृत पितरों को शांति देने हेतु किया जाता है। इसमें पितरों को तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है। भूत यज्ञ, इस यज्ञ से भूत प्रेतों को शांत किया जाता है। और मनुष्य यज्ञ, इस का उद्देश्य अतिथियों की सेवा करना है। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिऋण थे, मनुष्य को तीन ऋणों से उत्कीर्ण होना चाहिए। पहला ऋषि ऋण, अर्थात वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पितृऋण, पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए हर मनुष्य को। ठीक है, देव ऋण, यज्ञ करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो धर्म के खिलाफ माना जा सकता है। इस तरीके से हम यहाँ तक आकर के रोक देते हैं। बाकी ऋग्वैदिक काल के बारे में और डिटेल और डीप नॉलेज अगले वीडियो में और अगले क्लास में करेंगे। टिल देन 30 मिनट के वीडियो है, आराम से दो बार पढ़िए, देखिए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए।